नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस फटिक के श्रेयंत्र को घर पे स्थापित करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है और इसे रखना ही चाहिए। श्रेयंत्र की पूजा करने से श्री वृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी चिरस्थायी होती है आपके घर में। साथ में भगवान कुबेर देव का भी विशेष तौर पर आशीर्वाद बना रहता है उस घर में जिस घर में श्रेयंत्र स्थापित होता है। तो वो सारी चीज आज बताने वाले हूँ, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर जीवन में ऐश्वर्य को बढ़ाना है तो घर में स्फटिक के श्रेयंत्र को जरूर स्थापित कीजिए। अभी जो स्फटिक का श्रेयंत्र आप जो मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 2 kg का है, यानी एकदम नेचुरल स्फटिक है और ये 2 kg का वजन का है, तो ये थोड़ी सी भारी होती है। ये स्क्रीन पर जो आप स्फटिक श्रेयंत्र देख रहे हैं ये बिल्कुल नेचुरल स्फटिक है। इसके बीच बीच में आपको दाग भी दिख रहा होगा, यही इसकी प्योरिटी की सबसे बड़ी सर्टिफिकेट होती है कि बिल्कुल अगर साफ होती है, क्रिस्टल क्लियर होती है तो उसे कांच का श्रेयंत्र बताया जाता है, वो कांच का ही होता है। लेकिन अगर आप स्फटिक है जो बिल्कुल बीच से एकदम नेचुरल होता है, थोड़ा सा जो घिसा हुआ लगता है अंदर से जिसमें कुछ आकृतियां रहती हैं, ये होता है बिल्कुल नेचुरल स्फटिक। तो स्फटिक रखने से, स्फटिक धारण करने से, स्फटिक की पूजा करने से शुक्र भी बलवान बनता है। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्ति चाहते हैं, घर में सुख चाहते हैं, धन ऐश्वर्य की वृद्धि चाहते हैं तो आपको इस फटिक का श्रीयंत्र जरूर रखना चाहिए। फिलहाल मेरे पास जो अवेलेबल है, जो आपको स्क्रीन में दिख रही, 2 kg का है और ये 2 kg का होता है जो पर ग्राम के हिसाब से प्राइसेस होते हैं। अगर आप 2 kg यानी थोड़ी सी बड़ी वाली आप अगर स्थापित करना चाहते हैं श्रीयंत्र को, तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको गाइड कर दिया जाएगा कि इसकी प्राइसेस क्या है और इसका कैसे आपको डिलीवर होगा। मैं आपको इसका कुछ बेनिफिट्स और बता दे रही हूँ। श्रीयंत्र को स्थायी रूप से अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो इसके साथ ही आपको इन देवताओं का विशेष कृपा तुरंत असर और फलदायी हो जाता है इनके आशीर्वाद से। यानी कि आप कुछ चीज मांग रहे हैं लेकिन जैसे ही आपने स्फटिक का श्रेयंत्र घर में स्थापित किया तो माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और शुक्रदेव आप पर बिल्कुल मेहरबान हो जाते हैं। जी हाँ, हर घर में श्रेयंत्र का पूजा का विधान जरूर होना चाहिए क्योंकि श्रेयंत्र जिस घर में रहता है, सबसे पहले तो इसका गुण देखिए कि ये जिस घर में भी स्थापित होता है वहां से वास्तु दोष दूर हो जाता है। यानी अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो वास्तु दोष का निवारण हो जाता है तुरंत। यानी आपको कोई भी चीज की करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ श्रेयंत्र को रखने मात्र से, स्थापित करने मात्र से आपके घर से वास्तु दोष समाप्त हो जाती है। दूसरा इसका बेनिफिट होता है, शुक्र देव की कृपा मिलती है। शुक्र आपके जीवन में वैभव, ऐश्वर्य, आपकी दिनचर्या में जो भी हर्डल्स थी, प्रॉब्लम्स थी उसे सॉल्व कर देता है। आप कर्जदार थे उसे सॉल्व कर देता है। आपकी कोई इच्छा थी, बहुत पुरानी इच्छा थी, वो पूर्ण कर देता है। तो भगवान शुक्र देव की भी विशेष कृपा होती है। माता लक्ष्मी हमेशा घर में सौभाग्य की वृद्धि करती है और भगवान कुबेर धन की बरसात करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों देव के जो आपको आशीर्वाद मिल जाते हैं तो आप समझिए स्फटिक को कितना ज्यादा उपयोगी बताया गया है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि अगर आप नेचुरल स्फटिक और रियल स्फटिक लेंगे तो इसके दाम हमेशा आपको ज्यादा ही पड़ता है क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल होता है और ये हर किसी के पास बहुत इजी वे में अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको अगर रियल स्फटिक चाहिए, सर्टिफाइड स्फटिक चाहिए और आपको चाहिए कि बिल्कुल ये देखने में भी जितना खूबसूरत, इसकी कटिंग्स आप बिल्कुल की कटिंग्स बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तो फिर आप बिल्कुल सही और अच्छी क्वालिटी की ही श्रीयंत्र आपको घर में स्थापित जरूर करना चाहिए। श्रीयंत्र को स्थापित करने से आपकी पर्सनालिटी भी चकाचक होती है। जब आप एक स्फटिक के सामने रहते हैं ना तो उसकी ऊर्जा से, आपकी ऊर्जा अगर बहुत निगेटिव है या फिर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई कोई खूबसूरती नहीं है या फिर कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो स्फटिक के सामने बैठने भर से अगर आप इस पर ध्यान को केंद्रित करके आप अगर मेडिटेशन भी करते हैं तो आपकी ऑरा बिल्कुल चेंज हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है और इससे एक खास परिवर्तन आपके अंदर आती है। जो यानी कि बाहर से आप बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते थे, आप अब बाहर से अफेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि आपके अंदर को हील करना शुरू कर देता है स्फटिक। स्फटिक एक ऐसी चीज है,
इसे धारण भी करते हैं, इसको माला के रूप में हम धारण करते हैं या फिर हम ब्रेसलेट के हिसाब से भी अगर धारण करते हैं तो आपके जीवन में ऐश्वर्य वृद्धि होती है, आपका दिमाग शांत रहता है। लेकिन आप अगर स्फटिक को घर में पूर्ण रूप से स्थापित करते हैं यानी श्री यंत्र की पूजा करते हैं, आप इसके मंत्रों का जाप करते हैं यानी श्री विद्या के मंत्रों का अगर जाप करते हैं, अगर आप दीक्षित है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो श्री यंत्र सामने बैठकर अगर आप माँ भुवनेश्वरी का मंत्र का जाप, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का मंत्र का जाप या फिर लक्ष्मी मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो आपको दुगुना फल मिलता है। हर दिन इसकी पूजा, इसकी सेवा, इसका अर्चन करना आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करता है। और ये बिल्कुल मानी हुई चीज है कि जिस घर में श्री यंत्र होता है और थोड़े से आकार में थोड़ा बड़ा होता है, उस घर में हमेशा सदैव सुख शांति बहुत अच्छी होती है। जैसे बहुत लोग शौकीन भी होते हैं तो वो छोटे छोटे भी रखते हैं, छोटी की भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि मैं थोड़ी सी ज्यादा ही इन सारी चीजों की बहुत शौकीन रही हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं पत्थरों की शौकीन हूँ, एगेट्स की शौकीन हूँ, कुछ अच्छी चीजें जो नेचुरल चीजें होती है मैं उसकी शौकीन हूँ। तो मेरे घर में आपको हर चीजें थोड़ी सी बड़ी साइज की मिलती है और मैं पूजा करना बहुत पसंद करती हूँ श्री यंत्र का, क्योंकि मुझे इसका बहुत ज्यादा देखते ही मेरा मन बहुत शांत हो जाता है, खुश हो जाता है। और हर दिन अगर आप श्री यंत्र के दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में आ रही हर बाधा, वो धन से हो, प्रेम से हो, आपके जीवन में आ रही कोई भी हर्डल्स ऐसी हो कि आप घर खरीदना चाहते हैं नहीं खरीद पा रहे, आपका जमीन है जो नहीं बिक रहा है, या फिर जो भी संपत्ति से रिलेटेड कोई भी अगर हर्डल्स आपको आ रही है तो वो इसे सॉल्व कर देता है। हर दिन, प्रत्येक दिन सुबह उठकर आप अगर श्री यंत्र के दर्शन तक कर लेते हैं तो आपका जीवन सौभाग्य से परिपूर्ण हो जाता है। हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स कब आती है? जब हम कुछ नेगेटिव चीजों के बीच में रहते हैं। लेकिन जब आप अपने घर में स्फटिक, ईश्वर देव देवी की मूर्ति, खुशनुमा फैमिली का पिक्चर, ये सारी चीजों के अगर दर्शन करते हैं सुबह उठकर, तो आपके जीवन में डेफिनेटली वही एनर्जी फ्लो करती है जो आप एनर्जी फ्लो कराते हैं। तो अभी तक अगर आप लोग सोच रहे थे कि श्री यंत्र को स्थापित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो 100% करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में अब तक जितने भी आपने झेले होंगे लाइफ में प्रॉब्लम, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। स्फटिक मार्केट में भी अवेलेबल है, उसे स्फटिक कह के बेचा जाता है, बट एक्चुअली में स्फटिक बहुत रेयरली मिलता है और वो बहुत ही गिने चुने लोगों के पास रियल मिलता है। बाकी तो सभी के पास अवेलेबल होता है, आपको रोड पे भी मिल जाते हैं, बट आपको जेन्युइनिटी और आपको रियल स्फटिक की अगर तलाश है तो आप अच्छी किसी जगह से लीजिए, आप हमसे भी ले सकते हैं। हम हमेशा जेन्युइन चीज़ें, सर्टिफाइड चीज़ें और बिल्कुल रियल चीज़ें ही हम देते हैं, ताकि आपको तुरंत इसका असर ज़रूर दिखे। तो अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब हम इसे डिलीवर करते हैं तो डिलीवर के साथ हम इसके बाद में, जैसे ही आपके पास ये सामान पहुँच जाता है, उसके बाद हम आपको मंत्र देते हैं। वो मंत्र का आपको रोज़ाना 108 बार कमल गट्टे की माला से आपको जाप करना रहता है। और इसकी कुछ पद्धति होती है, विशेष तौर पर थोड़ी सी कुछ पद्धति होती है, बहुत लोग बहुत बिजी होते हैं तो उनके लिए हम बहुत ईजी पद्धति बता देते हैं कि कैसे इसका अर्चन करना है, कैसे इनको हमें पूजा करना है प्रत्येक दिन की डेली पूजा रूटीन में। हमारी किस्मत में कितना धन है, कितना दौलत है, ये पूर्व लिखित है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जीवन में वो सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, वो सोर्स ऑफ एनर्जी बढ़े, जहां से हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वो प्रॉब्लम्स को ही बस प्रॉब्लम्स मानकर बैठ जाते हैं, उसके सॉल्यूशंस के लिए नहीं निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे शौकीन लोग भी हैं जो लोग थोड़ी सी अच्छी साइज की रखना चाहते हैं, तो वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं। मैं छोटी श्री यंत्र अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल मैं नहीं कर रही हूँ। शौक होता है कि थोड़ा बड़ा श्री यंत्र रखे और वो देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसको रखने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और एक घर का जो इन्वायरमेंट होता है ना, जहाँ पर आप इसे स्थापित करते हैं पूजा के मंदिर में, वहाँ पर आप खुद देखेंगे कि जब आप वहाँ पर सिर्फ कुछ और कुछ नहीं, आप सिर्फ बैठे हैं ना, सिर्फ श्रीयंत को देख रहे हैं ना, तो देखते हुए भी आपको अपने अंदर ना हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, आप खुद को हील करना शुरू कर देते हैं। आप बहुत परेशान हैं, आपको बहुत दुख मिला हुआ है मान लो जीवन में, बस आप स्फटिक के सामने बैठ जाओ, उसकी एनर्जी लो, क्योंकि वो जहां से रहती है ना, वहां की एनर्जी इतनी प्योर होती है, और उस एनर्जी के सामने आप रहोगे तो आपका सब कुछ वृद्धि ही होगा, लाइक शुक्रदेव की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान कुबेर की कृपा,
ठीक है। और आपका शुक्र जो ग्रह है, अगर आपको कमजोरी दे रहा है, यानी प्रेम में हताशा देता है, आपके शादीशुदा जीवन में हताशा देता है, या फिर आपके जीवन में कोई भी चीज परमानेंट नहीं करता है, ऐश्वर्य की कमी देता है, तो आप सिर्फ वहां पर बैठो, उस एनर्जी के पास में बैठो कुछ देर के लिए, हाफ एन आवर आप उसके सामने बैठो, आपको खुद दिखने लगेगा कि रोज दिन का ये अभ्यास आपके जीवन में कितना परिवर्तन कर रहा है। तो स्फटिक रखने के बहुत सारे फायदे हैं, मैंने तो बहुत कम बोला है, लेकिन जो लोग इसे रखते हैं, जैसे मैं रखती हूँ, तो मुझे इसका बेनिफिट मालूम है, और इसकी विशेष कृपा होती है, तो माता लक्ष्मी चिरस्थाई होती है आपके घर में। तो इसे जरूर रखिए, और अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में बहुत सुख समृद्धि की बरकत हो, बहुत सुख समृद्धि आपके पास हो, तो आप डेफिनेटली श्री यंत्र को स्थापित करें अपने घर में। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।